तो तुम्हें कौन मिल गया? वेलकम बैक टू माई चैनल। आज की वीडियो स्टार्ट कर रहा हूँ मैं उपात्या स्टेशन से। हम दोनों जा रहे हैं कैपिटल सिटी जागरेब। ये हमारी बस आ चुकी है, हम लोग बस में बैठने वाले हैं, उसके बाद आपसे मिलते हैं। सो फ्रेंड्स, हम बस में आ चुके हैं और आप लोग ये बस से नज़ारे इंजॉय कीजिए, तो आपसे थोड़ी देर में मिलता हूँ मैं। सो फ्रेंड्स, अभी हम जा रहे हैं जागरेब उपात्या से। अभिषेक और मैं हैं, तो वहाँ थोड़ा वो सी साइड में है, तो उसका वहाँ थोड़ा एल्टीट्यूड थोड़ा कम है। यहाँ हम अभी हाई में आ गए, तो आप लोग देख सकते हैं पूरे पेड़ हेड़ सब बदल गए हैं। सो फ्रेंड्स, होप आप लोगों को ये नज़ारे काफ़ी अच्छे लग रहे होंगे और मुझे भी काफ़ी मज़ा आ रहा है ये बस की यात्रा करते हुए और ये सुंदर सुंदर नज़ारे देखते हुए मैं जा रहा हूँ। तो आगे अभी हम थोड़ी देर में पहुँच जाएंगे जागरेब, तो ये सुंदर सुंदर गांव और यहाँ के ये नज़ारे मंत्रमुग्ध कर देने वाले हैं सच में। तो हम ऑलमोस्ट जागरेब पहुँच चुके हैं। अभी यहाँ से बस थोड़ा 5-10 मिनट के बाद हम पहले बस स्टेशन पहुंचेंगे। और मैं बता दूं, हमारा यहाँ आने का मेन रीज़न था कि हमारा थोड़ा काम था। ये मेरे साथ जो अभिषेक आया है, इसकी दवाइयाँ मेन आ रही हैं इंडिया से, इसने पार्सल मंगाई थी तो कोरियर करके इसकी मम्मी ने भेजी थी, तो वो पोस्ट ऑफिस में ही है, तो पोस्ट ऑफिस से लेनी है। और सेकेंड कि यहाँ पर से थोड़ा अपने लिए सामान लेंगे इंडियन ग्रॉसरी से, तो इसीलिए हम यहाँ आए हैं। तो देखते हैं, हमारा अगर काम हो जाएगा तो हम खाना खा के निकल जाएंगे। तो आपको वहाँ जाके मिलते हैं फिर आगे। सो फ्रेंड्स, हम बस स्टेशन पे पहुंच चुके हैं और आप देख सकते हैं यहाँ पे एंट्री का है, और इसके अंदर जाके बस के लिए यहाँ पे से अंदर से जानने का है। और यहाँ एक चीज़ बता दूँ, यहाँ बहुत सारी अलग अलग बसेस चलती है, तो जैसे हम अराइवा बस से आए हैं और मैंने उसका ऐप डाउनलोड किया था, और ईजी है, बुक कर सकते हो आप
बट जाते टाइम के लिए उसके लिए बसेस नहीं है, उसके लिए हमें मैनुअली जाना पड़ेगा। और मैनुअली भी आप बस की टिकट ले सकते हैं बस स्टेशन से, और ऐप से भी आप ले सकते हैं। तो फ्रेंड्स हम जागरब पहुंच चुके हैं, अभी नीचे जाते हैं, फिर मिलते हैं आप लोगों से। सो फ्रेंड्स अभी हम सेंट्रल में आ चुके हैं, बस स्टेशन से हमने 6 नंबर का ट्रैम्प लिया और हम सेंट्रल पहुंच चुके हैं। अभी हम यहाँ से जाने वाले हैं एक रेस्टोरेंट में, वहाँ हम खाना खाएंगे और इंडियन फूड खाने का बहुत मन हो रहा है काफ़ी दिनों से रेस्टोरेंट में, क्योंकि जहाँ पे हम रहते हैं वहाँ पे इंडियन रेस्टोरेंट नहीं थे। तो पहले हमने सोचा लंच कर लेते हैं, फिर जाके आपको और चीज़ें दिखाते हैं हम और क्या क्या करने वाले हैं। तो चलो चलते हैं। तो अभिषेक यहाँ पे बैठा हुआ है और हम अभी ऑर्डर करेंगे कुछ, 11 बजे से रेस्टोरेंट ओपन होगा बोल रहे थे। अभी 11 तो बज चुके हैं और अभी इतना क्राउड भी नहीं है रेस्टोरेंट में, तो मॉर्निंग के टाइम पे कम ही लोग आते होंगे। बढ़ जाता है अभी स्टार्टिंग होने के बाद में। अच्छा बढ़ जाएगा। हम तुम्हें मेन्यू भी दिखाते हैं। तो गाइस हमने ऑर्डर किया था मंचूरियन पनीर एंड नान। नान तो ऑलमोस्ट हमने खा लिया, अभी फिर से ऑर्डर करेंगे। और ये है मंचूरियन पनीर, ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं है, 10-15 यूरो में आप लोगों को दो लोगों के लिए लंच हो जाएगा। ज़्यादा अगर आप दो दो नान खाओगे, 4 नान खाए हमने और मंचूरियन पनीर ऑर्डर किया था। फ्रेंड्स हम आए थे यहाँ इसका पार्सल लेने के लिए, वहाँ से वापस आ गए, बट पार्सल वापस चलेगा क्योंकि उसमें मेडिसिन थी। जो मेडिसिन हैं वो अगर आप इंडिया से कोरियर मंगवाते हैं कोई भी चीज़, तो मेडिसिन क्रॉसिंग गवर्नमेंट के हिसाब से यहाँ पे वो अलाउ नहीं करते इंडिया से। अगर आप स्पाइसेस मंगवाते हैं कुछ मंगवाते हैं वो तो आ जाएगा, बट अगर आप मेडिसिन वगैरह कुछ ऐसे आइटम मंगवाते तो वो अलाउड नहीं होता, क्योंकि मेरा पार्सल वापस चला गया इंडिया आज। तो स्पाइसेस थे, उन्होंने बोला कि ये स्पाइसेस तो आ सकते हैं बट मेडिसिन हैं वो अलाउड नहीं है। तो कोई भी अगर इंडिया से आ रहा है तो प्लीज़ अपनी साथ अपनी मेडिसिन साथ में लेके आएँ, और यहाँ पे अगर डॉक्टर के पास जाओगे आपको वो लिख के देगा तभी आपको मेडिकल स्टोर से मेडिसिन मिलेगी, अदरवाइज यहाँ नहीं मिलती। दूसरी चीज़ यहाँ पे अगर आप, वही बता रहा था पहले मैं कि यहाँ पे अगर इंडिया से मंगवाओगे भाई कोरियर तो आपको वापस भेज देंगे आपका कोरियर, वो आपको नहीं मिलेगा। तो ये चीज़ ध्यान रखना जो भी यहाँ पे आ रहे हैं अभी ज़ाग्रेब या क्रोएशिया में कहीं पर। तो फ्रेंड्स हमारा एक काम तो बना नहीं, अब हम दूसरे काम के लिए जा रहे हैं। इसके लिए हम आ चुके हैं काठमांडू मार्ट पे, जहाँ पे से हमने कुछ सामान खरीदना है। आप मेरे वीडियो के माध्यम से देख सकते हैं जो जो भी सामान आपको चाहिए आपको यहाँ पे मिल जाएगा। अगर आप क्रोएशिया में पहली बार आए हैं और आपको यहाँ का इंडियन सामान, नेपाली सामान आपको यहाँ पे मिल नहीं रहा है, तो काठमांडू मार्ट में आप लोग आके यहाँ से खरीद सकते हैं। मिल गया हमें धीरेन मिल गया हमें, ये ऐसे प्रकट हुआ जैसे बिना बताए कहीं पे भी मिल जाते हैं लोग, ऐसे मिल गए। तो अभी ये भी मिला, इसने भी खाना ना खाया, ये तो आज रात में यहीं रुकने वाला है। बट अभिषेक और मेरा तो सारा काम हो चुका है जैगरेब का, हम वापस जा रहे हैं। हम लोग सेंट्रल में पहुंचने वाले हैं, वहां से हम 6 नंबर की ट्रेन लेके बस स्टैंड जाएंगे, बस स्टेशन से टिकट बुक करेंगे, फिर उसके बाद हम सीधे बस में बैठ के उपात्या चले जाएंगे। तो अभी देखो यहां का थोड़ा नज़ारा आगे का देख के कैसा है। सुफ दोस्तों देखिए, मैं इतना परफेक्शन मैं नहीं बोल सकता हूँ कि मैंने ये दिखाया वो दिखाया, बट हाँ जो मैं करता हूँ, जो भी मेरे चीज़ में मेरी लाइफ में चल रही होती है मैं अपने वीडियो में दिखा देता हूँ। होप आप लोगों ने ये इन्जॉय किया होगा, तो अगर किया है तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।